नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का, तो फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबर। पटना में खाली मैदान में रखे कबाड़ में आग लगी। घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र की है। वहीं पुलिस की जब्त की गई गाड़ियों में भी आग लग गई। इसके बाद जानकारी मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नालंदा उच्च विद्यालय के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक लड़के की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने थाने के पास शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। सीवान में मोबाइल टावर के नीचे खाना बनाने के दौरान गैस लीक हो गई और सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से तीन लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कटिहार के प्राणपुर प्रखंड के बंगुरुआ गांव में एक घर में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं घटना से काफी नुकसान भी हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। औरंगाबाद में गैस सिलेंडर में आग लगने से पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए। हादसा नगर थाना क्षेत्र के विराटपुर मोहल्ले का है। घायल दंपति को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अशोक नाम का ये शख्स अपनी पत्नी की दुकान के लिए सामान बना रहा था, तभी अचानक से सिलेंडर में आग लग गई। पटना के करगिल चौक पर ग्रुप डी के अभ्यर्थियों ने जोरदार हंगामा किया है। आईटीआई में अनिवार्यता और उम्र सीमा को लेकर उन्होंने बवाल किया। अभ्यर्थियों ने सड़क जाम कर घंटों हंगामा किया। पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को हटाया। लाठी चार्ज के बाद सड़क जाम खत्म हो गया। पटना में छात्र संघ चुनाव में खाली बैलेट बॉक्स मिलने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। पटना विश्वविद्यालय पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन जैप आरजेडी जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को रोक लिया। पटना में रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। दरअसल ग्रुप डी में उम्र सीमा कम किए जाने और आईआईटी अनिवार्यता करने पर लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी। मोकामा के मरांची गांव में सैकड़ों किसानों ने जगदीशपुर हल्दिया बरौनी गैस पाइपलाइन का काम ठप कर जमकर हंगामा किया। किसानों ने गेल कंपनी की मनमानी के खिलाफ टाल क्षेत्र में ही धरना शुरू कर दिया। किसानों की शिकायत है कि उनकी तैयारी फसल बिना नोटिस दिए ही बर्बाद की जा रही है। फारबिसगंज के रामपुर में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत के बाद वहां पहुंची पुलिस के साथ मृतक के परिजनों ने धक्का मुक्की की। पुलिस जिस वक्त वहां पहुंची उस वक्त परिजन सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे। पुलिस ने जब इन्हें रोकना चाहा तो ये लोग पुलिस से उलझ पड़े। वैशाली के जंदाहा थाना क्षेत्र के मुनेश्वर चौक के पास एक अनियंत्रित बोलेरो ने दर्जनों लोगों को रौंद डाला। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोगों की हालत गंभीर है। मछली व्यापारी को टक्कर मारने के बाद भाग रहे बोलेरो ड्राइवर ने जो भी सामने आया उसे रौंद डाला। खगड़िया में NH 31 पर पसराहा ढाला के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखचे उड़ गए। हादसे में मारे गए कुछ जवान सैप के बताए जा रहे हैं। मुंगेर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सफियाबाद थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव की है। मृतक का नाम आकाशदीप बताया जा रहा है। नवादा में यात्रियों से भरी मैजिक गाड़ी पलट गई। इसमें 20 लोग घायल हो गए हैं और 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं। घटना कादिरगंज थाना के माया बिगह की है। सीवान में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। घटना बड़हरिया थाना क्षेत्र के करबला बाजार की। किशनगंज में जमीन विवाद को लेकर दो परिवारों में जमकर मारपीट हुई। घटना डे मार्केट चौक की है, जहां जमीन को लेकर दो परिवार आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडे और तलवार से हमला कर दिया। मारपीट में दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र के बंगालगढ़ गांव में शराब के नशे में दो गुटों में जमकर झड़प हो गई। मारपीट में दोनों गुटों के करीब 7 लोग घायल हो गए। शराब के नशे में चूर लोगों ने पुलिस के सामने भी जमकर लाठी डंडे चलाए। बिहार में मैट्रिक परीक्षा के पहले ही दिन अंग्रेजी का पेपर वायरल हो गया। छात्रों के मुताबिक सही निकला है वायरल पेपर। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने शरारती तत्वों की करतूत बताया। बेतिया में एक ही नाम से बिहार बोर्ड ने दो एडमिट कार्ड जारी कर दिए। एक छात्र और एक छात्रा को छात्र को परीक्षा देने की इजाजत मिल गई, लेकिन छात्रा को परीक्षा देने की इजाजत नहीं मिली। मैट्रिक परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए बोर्ड ने वीक्षक नियुक्त किए हैं, लेकिन पटना के मिलर स्कूल में वीक्षक ही लेट पहुंचे। परीक्षा 9:30 बजे से शुरू होनी थी, जबकि वीक्षक खुद 9:30 बजे के बाद पहुंचे।
छपरा में भी मैट्रिक की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। हर परीक्षा केंद्र पर 1 से 4 सशस्त्र बल के जवानों के साथ कुल 65 स्टैटिक दंडाधिकारी, 16 गश्त दल दंडाधिकारी, 8 जोनल दंडाधिकारी और 4 सुपर जोनल दंडाधिकारी समेत पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए। वैशाली जिले के महुआ में मैट्रिक की परीक्षा के लिए आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के दौरान बच्चों को खुशनुमा माहौल देने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। पूरे केंद्र को फूल और गुब्बारे से सजाया गया। पटना में छात्रा से छिड़खानी के आरोप में इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर रामबाबू गुप्ता गिरफ्तार। आरोपों को रामबाबू गुप्ता ने बताया निराधार। पटना में फर्जी डिग्री बांटने वाले संस्थानों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। कदमकुआं थाना क्षेत्र के बारीपथ में छापेमारी की गई है। इस दौरान पुलिस के हाथ कई फर्जी सर्टिफिकेट लगे हैं। इन संस्थानों पर मजहरुल हक विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री बेचने का आरोप है। जहानाबाद में आयकर विभाग ने अनुराधा ज्वेलर्स में छापा मारा है। आयकर विभाग के अधिकारी खंगाल रहे हैं फाइल। सीएम नीतीश कुमार जापान के दौरे पर हैं। आज सीएम ने नारा के राज्यपाल से मुलाकात की। उसके बाद सीएम तोदाई जी मंदिर पहुंचे। सीएम ने कल इन्वेस्टर्स सेमिनार में भी हिस्सा लिया था। शरद यादव आज से लोकतंत्र बचाओ यात्रा पर निकले हैं। निकलने से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में संविधान खतरे में है, ऐसे में विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मधेपुरा दौरे पर हैं। बिहारीगंज जनता हाई स्कूल में तेजस्वी यादव की न्याय मार्च यात्रा को लेकर जनसभा का आयोजन है। जैसे ही तेजस्वी का काफिला पहुंचा, लोगों ने फूलमाला लेकर उनका स्वागत किया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं। उन्होंने 7वां पत्र जारी किया है, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पत्रों के जरिए हम विपक्षी पार्टी को आईना दिखाना चाहते हैं। नवादा के अपसड़ गांव में अपने ऊपर हुए हमले को जेडीयू के बागी नेता उदयनारायण चौधरी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर मैंने डीजीपी से बात की है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। छपरा में 26 साल के युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना बनियापुर के कमता गांव की है। मामला विवाहित महिला से प्रेम प्रसंग का है। बेगूसराय में इंटरमीडिएट की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। पिता दिलीप गुप्ता ने खुलासा किया है कि जया की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। जया ने इंटरमीडिएट का पेपर अच्छा नहीं हुआ था, इसके चलते उसने फांसी लगाई। वैशाली में लीची बगीचा से युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोरौल थाना क्षेत्र के हरसेर गांव की घटना है। खगड़िया कटिहार रेलखंड के चैठा बन्नी हाट के पास बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल मालगाड़ी गुजरते समय डाउन पटरी टूट गई। तेज आवाज के सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे और मानसी स्टेशन को जानकारी दी। इसके बाद इंजीनियर और रेल कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और ट्रैक को दुरुस्त किया। बाढ़ के अगवानपुर पंचायत इलाके के मुकिमपुर गांव में दबंगों ने एक दलित महिला की फसल को कीटनाशक डालकर बर्बाद कर दिया। महिला का आरोप है कि दबंग सड़क किनारे उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते बार बार कीटनाशक डालकर उसकी फसल बर्बाद कर देते हैं। विक्रम में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां शिक्षा अधिकारी ने एक ऐसी महिला शिक्षक के नाम निरीक्षण कार्य के लिए नाम प्रेषित कर दिया है, जिनकी 1 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। मामला विक्रम के मध्य विद्यालय अछुआ का है। मधुबनी का रैयाम चीनी मिल वीरान पड़ा है। बरसों से बंद पड़ी चीनी मिल के कारण हजारों लोगों के सपने टूट गए। भूखमरी की स्थिति आ गई है। स्थानीय लोग मिल को चालू कराने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सासाराम में उत्पाद विभाग ने अंग्रेजी शराब के 150 कार्टन जब्त किए हैं। उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि लोकनाथपुर में एक ट्रक से शराब उतारी गई है, जिसे एक झोपड़ी में छिपाकर रखा गया है। इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई के साथ ही एक धंधेबाज चंदन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जमुई में वाहन चेकिंग के दौरान चकाई पुलिस ने सफारी गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद की है, साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चकाई थाना पुलिस ने जयप्रकाश चौक के समीप यह कार्रवाई की। छपरा में हो रही मारुति नंदन महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा पूर्व मंत्री चंद्रिका राय और महायज्ञ के मुख्य संरक्षक इंद्रभूषण सिंह के नेतृत्व में निकाली गई। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। महायज्ञ 28 फरवरी तक चलेगा। दुमका में बीजेपी का संथाल परगना प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। बिरसा मुंडा आउटडोर स्टेडियम में यह सम्मेलन हुआ। इस दौरान सीएम ने मिशन 2019 से पहले निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया और उन्हें चुनावी टिप्स दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार में हमारी सरकार बन गई है। देश की जनता ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, हम लोगों को इनके लिए काम करना है।
उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ नहीं होगी तब तक हम मजबूत नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार में रहकर भी संगठन का काम कर रहा हूं। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश हुए। लालू यादव प्रदीप कुमार की अदालत में पेश हुए। आपको बता दें कि दुमका कोषागार मामले में आरोपियों की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है, अब अभियोजन पक्ष को जवाब देना है। इसके बाद फैसले की तारीख की घोषणा। कोटवार जेल में लालू प्रसाद यादव से झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन मिले। प्रदेश में विपक्ष की एकजुटता को लेकर इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है क्योंकि लालू यादव कई बार विपक्ष को लामबंद करने की वकालत करते रहते। रांची में आज लालू यादव से जेवीएम का महासचिव बंधु तिर्की भी मिले। डोरंडा कोषागार मामले में जब लालू प्रसाद यादव न्यायाधीश प्रदीप कुमार की कोर्ट में पहुंचे तभी वहां इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात। रांची में जेल परिसर में आज हंगामा हो गया। दरअसल जेल गेट पर सुरक्षाकर्मियों से दो लोग उलझ गए। दोनों ही एक टाटा सफारी में सवार थे जो खुद को विधानसभा स्पीकर का दामाद बताने लगे और वो कार को सुरक्षा घेरे के भीतर ले जाना चाहते थे। जमशेदपुर में सहारा सिटी दुष्कर्म मामले में जांच करने के लिए आईजी पहुंचे। ये शर्मनाक घटना जमशेदपुर के मानगो में हुई थी। पीड़ित नानक चंद्र सेठ के घर में रहती थी। पीड़ित लड़की ने कहा था कि कई महीनों से उसका यौन शोषण हो रहा था। लड़की ने एक पुलिस अधिकारी पर भी रेप का आरोप लगाया था। गिरिडीह में नगर थाना क्षेत्र में फल बेचने वाली की जमकर धुनाई कर दी गई। घटना कोर्ट रोड स्थित इलाहाबाद बैंक के पास की है। फल लेने के बाद पैसे को लेने देने को लेकर विवाद हो गया और इसके बाद लड़की और दुकानदार में तूतू मैमा शुरू हो गई। इसके बाद लड़की ने दुकानदार की जमकर धुनाई कर दी। खूंटी में डायन के आरोप में दंपति की जमकर पिटाई की गई। इसके बाद दंपति का हाथ टूट गया। पिटाई के बाद ग्राम सभा ने पुलिस को सूचना नहीं देने का फरमान सुनाया। पुलिस को खबर करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की धमकी दी। रांची खूंटी मुख्य मार्ग पर कस्तूरबा स्कूल के पास भीषण हादसा हो गया जिसमें खूंटी के स्थानीय पत्रकार राजेंद्र प्रसाद के परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 2 महिलाओं समेत राजेंद्र प्रसाद के 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हैं। सामने से आ रही यात्री बस ने इन्हें टक्कर मारी। गुमला सदर थाना क्षेत्र की नागफेनी पुल के पास प्रखंड विकास पदाधिकारी भरनों की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें वीडियो और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। वीडियो बैठक में शामिल होने के लिए गुमला आ रहे थे। वीडियो का नाम शीतल कुमारी। सरायकेला में सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों एक ही बाइक पर सवार थे। पुलिया से बाइक टकरा जाने से यह हादसा हुआ। दोनों भाई शादी समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे। रांची में स्कूल बस की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। सफायर स्कूल की बस से यह हादसा हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र के किशोरगंज के पास की घटना है। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है लेकिन बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गिरिडीह बस स्टैंड के यात्री शेड में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना नगर थाना क्षेत्र की है। लोगों ने हत्या करने की आशंका जताई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बोकारो की न्यू बीसीसीएल कॉलोनी में 3 घरों का ताला तोड़कर लाखों की चोरी हो गई। बता दें कि पिछले 2 महीने में चोरी और डकैती की 5वीं घटना है जिसके कारण लोगों में डर का माहौल है। इधर वारदात को लेकर दुग्धा थाना पुलिस चुप्पी साधे हुए है। पाकुड़ में तबाही का सामान बरामद हुआ है। एसपी शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि विस्फोटक से लदी 4 बाइक आ रही है। पुलिस ने खोटामारा गांव से एक बाइक के साथ 275 पीस जिलेटिन और 185 पीस डेटोनेटर बरामद किए। रामगढ़ के भुचुंगडीह के जंगलों में अवैध कोयले का व्यापार करने वाले कुर्बान मियां पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तार कोयला माफिया के पास से पुलिस ने अवैध कोयला लदे 32 साइकिल को बरामद किया है। कई साल से कोयला बेचकर सरकार को चूना लगाने का काम चल रहा था। पलामू के नौडीहा बाजार पाटन और बनातू थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। 8 फरवरी को नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के झुंझुल पहाड़ पर नक्सली राकेश भुइया के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। जमशेदपुर में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देश में कार्रवाई की गई। इस दौरान पोटका थाना क्षेत्र के लोवाडी हिरानी कुदर गांव में देसी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब की कई भट्टियां नष्ट की। धनबाद के बागमारा प्रखंड कार्यालय में जीएसएस द्वारा रिश्वत मांगने पर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। पारिवारिक सूची बनाने के नाम पर प्रखंड जीएसएस द्वारा लाभुक से 1200 रुपए की मांग की गई थी। लाभुक की तरफ से पारिवारिक सूची का आवेदन 2 महीने पहले दिया गया था लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। जामताड़ा में मनरेगा में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। रांची से पहुंची सोशल ऑडिट की टीम ने इन गड़बड़ियों को पकड़ा है। टीम ने बड़े घोटाले की संभावना जताई है। मनरेगा के तहत बनाए गए कुएं डोभा नाली समेत समतलीकरण जैसी योजनाओं में भारी गड़बड़ी सामने आई। विश्व मातृभाषा दिवस के मौके पर रांची में देश की अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों को लेकर जुड़े समूहों ने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अल्बर्ट एक्का चौक पर मार्च निकाला। दिल्ली के मुख्य सचिव की मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि हुई है। चेहरे पर कट के निशान पाए गए।
मुख्य सचिव की मेडिकल रिपोर्ट में दोनों कान के बीच में चोट के निशान हैं। दिल्ली के अरुणा आसफ अली अस्पताल में हुआ मेडिकल टेस्ट। रिपोर्ट में अंशु प्रकाश के निचले होंठ पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। रिपोर्ट में दोनों गाल पर सूजन भी बताई गई। मुख्य सचिव से बदसलूकी केस में दिल्ली के एलजी की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को मिली। रिपोर्ट की जांच की जा रही है। दिल्ली में ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमान अतुल्लाह 30,000 कोर्ट में पेश। दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ मारपीट का आरोप। अमानतुल्लाह ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा गृहमंत्री के इशारे पर बीजेपी सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने कहा हमारे विधायकों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का आम आदमी पार्टी विधायकों पर हो रही कार्रवाई में दखल देने से इनकार। कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी दोषी बताया। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से बदसलूकी के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के एलजी से मिले कांग्रेस नेता अजय माकन ने चीफ सेक्रेटरी से हाथापाई को सोची समझी साजिश बताया। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी ने कहा टीम योगी सुपरहिट परफॉर्मेंस के लिए तैयार। निराशा से यूपी को पॉजिटिविटी की ओर लाने का काम किया। पीएम मोदी ने कहा यूपी में वैल्यू है वर्च्यू है लेकिन अब वैल्यू एडिशन का वक्त आ गया है। उद्यमियों के लिए अब रेड टेप नहीं रेड कारपेट बिछा होगा। यूपी के सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन ने उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा दी। सीएम योगी ने कहा निवेशकों की सहूलियत के लिए डिजिटल क्लियरेंस की योजना बनाई गई है जो सीधे मुख्यमंत्री की निगरानी में होगी। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा भी शामिल हुए। सफल आयोजन की बधाई दी। कहा नया यूपी बन रहा है। सुभाष चंद्रा ने कहा यूपी में पहला इन्वेस्टर्स समिट दूसरे लोगों के लिए भी मिसाल। एमओयू को लेकर योगी ने कारगर कदम उठाए। समिट में 7 देश कंट्री पार्टनर के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। सभी देशों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद। समिट में उत्तर प्रदेश की संस्कृति के भी रंग बिखरे। लोक कलाकारों ने लोगों का मन मोह लिया। मेघालय की राजधानी शिलांग में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रोड शो किया। 27 फरवरी को होंगे चुनाव। शिलांग में रोड शो के दौरान राहुल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा मोदी सरकार वादे नहीं निभा रही। दक्षिण भारत के सुपरस्टार कमल हासन ने अपनी पार्टी लॉन्च की। मदुरई में राजनीतिक पार्टी का ऐलान नाले नाम थे पार्टी का नाम रखा। भारत दौरे पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में परिवार समेत मत्था टेका। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से भी मुलाकात की। कनाडा के रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री प्रिया वारियर के खिलाफ सभी मामलों पर रोक लगाई। फिल्म के गाने को लेकर विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से सभी प्रोजेक्ट की जानकारी मांगी। कल तक सभी जानकारी देने को कहा है। आम्रपाली बायस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आज फिर कहा फ्लैट खरीदने वालों के हित सबसे ऊपर। खजुराहो में 7 दिनों का मशहूर डांस फेस्टिवल शुरू हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा का पानी पहुंचाया गया। 152 गांवों का फायदा मिला। फ्लोरिडा में छात्रों ने असॉल्ट राइफल्स को बैन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 14 फरवरी को 19 साल के लड़के ने स्कूल में फायरिंग कर 17 लोगों को मार डाला था। सीरिया के घोटा में आतंकियों के ठिकानों पर बम गिराए गए। 66 आतंकियों की मौत। वित्त मंत्री ने ऑडिटर्स और मैनेजमेंट पर उठाए सवाल। कहा गड़बड़ी पकड़ने में ऑडिटर्स फेल मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम।
आखिरी घंटे में बाजार में रिकवरी, निफ्टी 10,400 के करीब क्लोज, सेंसेक्स 141 और निफ्टी 37 अंक चढ़कर बंद। आईटी और तेल गैस शेयरों में तेजी। पीएनबी घोटाले में सबसे बड़ा खुलासा, बैंक कर्मचारियों से कोर्ट में बात करते थे घोटालेबाज, कोर्ट वर्ड में तय होती थी रकम और जगह। पीएनबी फ्रॉड मामले में सीबीआई की एक और गिरफ्तारी, जनरल मैनेजर राजेश जिंदल गिरफ्तार, पीएनबी के ब्रेडी ब्रांच के हेड थे राजेश जिंदल। सन फार्मा आज 8% तक गिरा, हलोल प्लांट में जांच की खबरें, 12 से 23 फरवरी के दौरान यूएसएफडीए कर रहा है जांच, 2015 में हलोल प्लांट पर लगाया था बैन। टाटा सन्स के चेयरमैन के तौर पर एन चंद्रशेखरन ने पूरा किया एक साल, एन चंद्रा के कार्यकाल में और मजबूत हुआ ग्रुप, कंपनियों के शेयरों में 43% तक का औसत उछाल। प्रियंका चोपड़ा हो सकती हैं फिल्म एतराज 2 का हिस्सा, प्रियंका के हीरो की तलाश जारी। और 100 शहर 100 खबर में फिलहाल